हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल से पार्ट 14। 26 मई का जो एडिटोरियल था, वहाँ से हमने 10 शब्द लिए हुए हैं इम्पॉर्टेंट, जिनकी मीनिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। साथ ही साथ उनके सिनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स क्या हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एडिटोरियल क्या था। वो एडिटोरियल था मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऑन कैंसिलेशन ऑफ ट्रंप किम समिट। आपको पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के बीच में समिट होने वाली थी 12 जून को, जो कि कैंसिल कर दी गई ट्रंप के द्वारा। तो उसी पर पूरा एडिटोरियल बेस था, उसके रीजंस क्या थे वो सब यहाँ पे बताए गए हैं। तो वहीं से 10 शब्द हमने लिए हुए हैं, तो आप जाकर के एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। तो पहला शब्द जो लिया हुआ है वो क्या है, वो है अनरेवल। अनरेवल क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, उधेड़ना। ज़्यादातर जैसे इसका मतलब ऐसे होता है कि जैसे आप कुछ बिनते हैं, बिनने का मतलब जैसे स्वेटर बिनना वगैरह हो गया, तो उसमें जो थ्रेड्स होते हैं वो एक दूसरे से टैंगल्ड होते हैं, तो अगर आप उसको उधेड़ें तो उसको कहा जाता है अनरेवल करना। लेकिन यहाँ पे अनरेवल का जो मतलब है वो क्या है, लिखा हुआ है इफ़ अ प्रोसेस और अचीवमेंट दैट वॉज स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड अनरेवल्स और इज़ अनरेवल्ड इट इज़ डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर कोई प्रोसेस है या फिर कोई अचीवमेंट है जो कि बहुत स्लो है, कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो अगर उसको आप ख़त्म कर रहे हैं किसी प्रोसेस या अचीवमेंट को, तो उसके लिए अनरेवल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके दो दो मीनिंग आप निकाल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब भी क्या होता है, अलग अलग करना। कम अपार्ट का मतलब भी तोड़ना, ठीक है, उधेड़ना उसी सेंस में है। फेल, कोलैप्स करना या फिर गो रॉन्ग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। कुछ तो डायरेक्ट हैं और कुछ कह सकते हैं कि नियर अबाउट सेम ही इसकी मीनिंग निकलती है। एंटोनिम्स क्या होंगे, जैसे इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड का मतलब क्या था, उलझना। जैसे उधेड़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो थ्रेड्स हैं वो सीधे हो जाएं, आपको साफ साफ समझ में आए। इंटेंगल्ड का मतलब उलझ जाएं एक दूसरे में इस तरीके से कि आप उसको निकाल ना पाए। टेंगल का मतलब भी वही होगा। सक्सीड का मतलब, जैसे यहाँ पे अनरेवल का मतलब डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, तो यहाँ पे सक्सीड का मतलब सफलता से है। इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था, यूज़ लिखा हुआ है अ सीरीज ऑफ अवॉइडेबल मिस स्टेप्स लेड टू द अनरेवलिंग ऑफ ट्रंप किम समिट। कि यहाँ पे बताए गए कि कौन कौन से स्टेप्स थे जिनको अवॉइड किया जा सकता था, मैं स्टेप्स जो उठाए गए थे जिसकी वजह से ये जो ट्रंप किम की समिट हुई है अनरेवलिंग, मतलब डिस्ट्रॉय हुई है, जिसको कैंसिल करना पड़ा ट्रंप को, ठीक है। तो यहाँ पे अनरेवलिंग का मतलब वहाँ से है। तो नेक्स्ट देखते हैं शब्द क्या है। नेक्स्ट शब्द है डैश्ड होप। डैश्ड होप जो ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये एक आइटम है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये इस तरीके से लिखा जाता है डैश समवंस होप, ठीक है। तो डैश समवंस होप का मतलब कि किसी की उम्मीद को या फिर आशा को ख़त्म करना, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ये आइटम डैश समवन होप, ठीक है। तो यहाँ भी इस्तेमाल किया गया था शब्द। अगर आपको ये आइटम नहीं पता होगा तो आप इसका जो मतलब है वो सही से नहीं निकाल पाएंगे। लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय समवंस प्लान और किसी को डिसअपॉइंट करना, तो वो होता है डैश्ड होप। तो सिनोनिम एंटोनिम्स में क्या चर्चा करें, आइटम की यूज़ कहाँ पे हुआ था, देखिए पूरी लाइन तो नहीं लिया, बहुत बड़ी थी। हैज़ नॉट ओनली डैश्ड होप्स ऑफ अ ब्रेक थ्रू बट ऑल्सो हाइटेंड रिस्क ऑफ कन्फ्रंटेशन, तो ऐसे इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पे डैश्ड होप का मतलब क्या था कि जो मीटिंग कैंसिल हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी उम्मीदें जग गई थी पूरी दुनिया में कि ये जो एक कह सकते हैं टकराव है दो देशों के बीच में कि न्यूक्लियर हमले हो सकते हैं या एक दूसरे पे वो कुछ हमले कर सकते हैं, ये सब ख़त्म होकर के कुछ शांति होगी, तो वो सारी जो उम्मीदें हैं वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई ये ट्रंप के इस मीटिंग को कैंसिल करने से। तो या उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया था। तीसरा शब्द हम देखें, लिखा हुआ एक्रीमनी। एक्रीमनी क्या है, ये एक नाउन है। एक्रीमनी मैंने पहले भी बता रखा है कई बार, जिसका मतलब क्या होता है, कटुता या फिर चिड़चिड़ापन। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जैसे एकदम खिसियाए हुए से घूमें, तो उसको कहेंगे एक्रीमनी। लिखा हुआ है फुल ऑफ एंगर एंड बैड फीलिंग, तो क्या होता है एक्रीमनी। सिनोनिम क्या हो सकता है इसका, सिनोनिम जैसे बिटरनेस, रैंकर। रैंकर का भी मतलब वही होता है, कटुता या फिर बहुत ज़्यादा किसी के प्रति आपके मन में बैर भाव हो। रिसेंटमेंट का भी सेम मीनिंग ही होता है, इल फीलिंग भी सेम ही है। तो इसके सब डायरेक्ट सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या हो सकते हैं, गुडविल, ठीक है, या फिर बेनेवोलेंस भी कह सकते हैं। बेनेवोलेंस कह सकते हैं कि इसका डायरेक्ट एंटोनिम तो नहीं है, जैसे बेनेवोलेंस का मतलब होगा परोपकार करना, मतलब यहाँ पे कटुता नहीं होगी बल्कि दया का भाव आ जाता है।
लव हो सकता है मतलब प्यार, लाइकिंग, जैसे एक्रिमनी का मतलब बहुत ज़्यादा शत्रुता, कटुता, चिड़चिड़ापन, वैसे लव लाइकिंग का मतलब प्यार या फिर कह सकते हैं कि पसंद से हो सकता है। तो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं ये। यूज़ कहाँ पे हुआ था, लिखा हुआ है दैट वॉज सरप्राइजिंग गिवन एक्रिमनी इन बोथ मिस्टर ट्रम्प्स एंड मिस्टर किम्स पब्लिक अटरेंस ओवर द पास्ट ईयर। अब ये किस बारे में बात कर रहे थे आपको समझ में आएगा, एक्रिमनी की बात की जा रही है, किसके किसके बीच में एक्रिमनी थी, इन बोथ मिस्टर ट्रम्प्स एंड मिस्टर किम्स पब्लिक अटरेंस, कि जो दोनों मतलब जो ट्रम्प हैं और जो किम हैं दोनों एक दूसरे के प्रति पब्लिक अटरेंस मतलब जो पब्लिक में जा करके एक दूसरे के प्रति बयान देते थे, मतलब ऐसा दिखाते थे दोनों एक दूसरे से चिढ़े हुए हैं, हमेशा नॉर्थ कोरिया भी कहता अमेरिका को सबक सिखाएगा, अमेरिका कहता नॉर्थ कोरिया को सबक सिखाएगा। तो ये जो समिट का इनविटेशन था जो ट्रम्प ने स्वीकार किया था नॉर्थ कोरिया को लेकर के, तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक दूसरे से इतना कटुता रखने वाले देश कैसे इतने जल्दी मिलने वाले हैं, तो उसी संदर्भ को लेकर के बात कही गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है डिसमेंटल, ये भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, ध्वस्त करना या फिर टुकड़े टुकड़े करना, मतलब एकदम अलग कर देना। कोई भी फंक्शनिंग मशीन हो, लिखा हुआ टू टेक अ मशीन कम अपार्ट इनटू सेपरेट पीसेस, कोई भी फंक्शनिंग मशीन हो उसको आप टुकड़े टुकड़े इस तरीके से कर दीजिए कि फिर उसका यूज़ ना किया जा सके, तो उसको कहा जाता है डिसमेंटल करना, ठीक है। सिनोनिम्स के क्या हो सकते हैं, टेक अपार्ट, टेक टू पीसेस, पुल टू पीसेस, डीकंस्ट्रक्ट, डिसअसेंबल, जैसे असेंबल का मतलब होता है जोड़ना, वैसे डिसअसेंबल का मतलब अलग अलग करना, वैसे ही कंस्ट्रक्ट का मतलब जैसे बनाना, डीकंस्ट्रक्ट का मतलब अलग अलग करना, तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम में क्या हो सकता है, जैसे असेंबल मतलब जोड़ना, अलग अलग पार्ट को जोड़ना या फिर बिल्ड करना या फिर बनाना, तो इसके क्या हो सकते हैं, एंटोनिम हो सकते हैं। यूज़ कहाँ पे हुआ था, लिखा हुआ है एंड आवर बिफोर मिस्टर ट्रम्प कैंसल्ड द समिट ऑन थर्सडे इट डिसमेंटल्ड इट्स पंजेरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट, ठीक है। ये नाम में हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही ना हो, कि यहाँ पे बताया गया था कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी तरफ से समिट से पहले बहुत सारे कदम उठाए थे ताकि ये जो बिटरनेस है दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी कम हो सके, और इसमें ये बताया गया कि ट्रंप ने जब इस समिट को कैंसिल किया उससे कुछ घंटे पहले ही नॉर्थ कोरिया ने अपनी पंजेरी जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट है उसको भी डिसमेंटल किया, मतलब उसने ये दिखाया कि हम अपने न्यूक्लियर जो टेस्ट साइट है उसको ख़त्म कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आगे उसमें और एक्सप्लेनेशन दिए गए थे कि वो जो टेस्ट साइट थी वो पहले से ही इनऑपरेबल थी, मतलब वो यूज़ में नहीं थी, उसको केवल दिखावे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन था, ठीक है। तो डिसमेंटल करने का मतलब उसको अलग अलग करना कि अब उसको यूज़ ना किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड क्या है, लिखा हुआ है हार्प ऑन, और यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट समथिंग, STH का मतलब शॉर्ट में होता है समथिंग, ये भी एक आइटम है या फिर कह सकते हैं कई जगह पे फ्रेजल वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है हार्प ऑन समथिंग का मतलब शिकायत करते रहना, लिखा हुआ है टू टॉक और कंप्लेन अबाउट समथिंग मैनी टाइम्स, किसी भी चीज़ के बारे में बार बार बातें करते रहना या बार बार शिकायतें करते रहना, मतलब शिकायत के लहजे में बोलना, वो होता है हार्प ऑन समथिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इस्तेमाल हुआ था, देखिए लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स शुड हैव टेकन इन टू अकाउंट दीज स्टेप्स बाई द नॉर्थ रादर देन हार्प ऑन द रेटरिक, ठीक है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो ये स्टेप्स उठाए गए थे दोनों के बीच की जो टेंशन है उसको कम करने के लिए समिट से पहले, उनको अकाउंट में रखना चाहिए, मतलब उसको देखना चाहिए था रेदर देन हार्प ऑन द रेटरिक, कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, बार बार ये शिकायत कर रहा था कि जो बातें बोली जा रही हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये सब क्या है, रेटरिक है। रेटरिक का मतलब भी भाई आगे हम देखेंगे उसका मतलब क्या है, कि उस पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि सारी बातें क्या है, रेटरिक है, कुछ भी सही नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में बार बार शिकायत करने से अच्छा था कि वो जो नॉर्थ कोरिया कदम उठा रहा था उस पर ध्यान देते तो शायद ये समिट कैंसिल ना होती। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड यही है रेटरिक। रेटरिक का मतलब क्या होता है, वाक्य पटुता, या फिर यहाँ पे जिस सेंस में इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, क्लेवर लैंग्वेज दैट साउंड्स गुड बट इज़ नॉट सिंसियर और हैज़ नो रियल मीनिंग, मतलब इस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो सुनने में तो अच्छा लगे कि हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सीरियसनेस ना हो, वो सिंसियर ना हो और उसमें कोई रियल मीनिंग ना हो, मतलब असलियत में वैसा ना हो जैसा बोला जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, रेटरिक। तो वही अमेरिका कह रहा है कि जो बातें यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे आपने डिसमेंटल कर दिया अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट को, तो उसको करें तो पहले से ही इनऑपरेबल थी, तो उसको डिसमेंटल करके भी क्या फ़ायदा, उसका तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे, तो इन सब बातों पर ज़्यादा फोकस किया, वो क्या कर रहा है नॉर्थ कोरिया उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, ओरेटरी या फिर एलोक्वेंस या फिर पावर ऑफ स्पीच या फिर डिक्शन, तो ये सारे इसके हो सकते हैं।
क्या? सिनोनिम्स। ओरेटरी और एलोक्वेंस का मतलब यही होता है कि बोलने के दौरान आप कितने वाक्पटु हैं, कैसे अपनी बातों से लोगों को लुभा लेते हैं, इससे मतलब होता है। एंटोनिम क्या हो सकता है? क्वाइट हो सकता है, मतलब चुप रहना। रेटरिक का मतलब जैसे वाक्पटु, अपने शब्द का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाना। क्वाइट का मतलब शांत रहना। इनआर्टिकुलेट इसका एक एंटोनिम हो सकता है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? अपनी बात को साफ साफ कहना, मतलब ऐसी बात जो आसानी से समझी जा सके। इनआर्टिकुलेट का मतलब ऐसा बोलना कि वो कुछ समझ में ना आए। जैसे रेटरिक का मतलब क्या होगा? वाक्पटु, मतलब लोगों को आप आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। इनआर्टिकुलेट होगा मतलब जब लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो वो क्या उस पर रिएक्ट करेंगे। यूज़ तो वही था, यहाँ पर आपने देखा था लिखा हुआ था हार्प ऑन द रेटरिक, तो अब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है? ये भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है निशस्त्रीकरण, मतलब अपना जो मिलिट्री पावर है या फिर जो वेपनरी सिस्टम है उसमें रिडक्शन करना, उसमें कमी लाना, उसको कहा जाता है डिसआर्मामेंट। लिखा हुआ था रिडक्शन और विथड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस एंड वेपन्स, तो वो क्या होता है? डिसआर्मामेंट। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? डी मिलिट्राइजेशन या फिर डी मोबिलाइजेशन इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स में क्या हो सकता है? जैसे डिसआर्मामेंट है वैसे आर्मामेंट। आर्मामेंट का मतलब क्या होगा? शस्त्रीकरण, मतलब अपने आप को, अपनी सेना को या फिर अपनी वेपनरी को बढ़ाना, वो को हो जाएगा आर्मामेंट। उसी तरीके से ये क्या है? आर्मिंग, ठीक है। तो ये इसके हो जाते हैं एंटोनिम्स। ओके, यूज़ कहाँ पे हुआ था? लिखा हुआ था जॉन बोल्टन एंगर्ड द नॉर्थ कोरियंस बाई सजेस्टिंग दैट मिस्टर किम कुड फॉलो द 2003 लिबियन डिसआर्मामेंट मॉडल। मतलब यहाँ पे जो जॉन बोल्टन थे उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लिए सजेस्ट किया था कि मिस्टर किम को 2003 का जो लिबियन डिसआर्मामेंट मॉडल था वो फॉलो करना चाहिए, या फिर उनको ये करना पड़ेगा तभी वो आगे बात करेंगे। इस तरीके से एक सजेशन उनको दिया था। तो डिसआर्मामेंट मॉडल यहाँ पे कहने का मतलब क्या था? कि वो जो अपनी मिलिट्री की ताकत है उसको कम करें। जैसे बार बार न्यूक्लियर हमले करने की बात कहते हैं, नई नई मिसाइलें टेस्ट करने की बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कमी लाएँ तो हम आगे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं। लिखा हुआ है शोडाउन। शोडाउन का मतलब क्या होता है? निर्णायक मुठभेड़। निर्णायक मुठभेड़ मतलब लिखा हुआ एन इवेंट सच एज मीटिंग और फाइट दैट एंड्स अ डिसएग्रीमेंट और डिसाइड हु विल विन। मतलब यहाँ पे तो मीटिंग से होगा नहीं, यहाँ पे मतलब फाइट से ही है कि कोई ऐसा इवेंट हो जिसकी वजह से ये समझ में आ जाए कि या तो कोई जो डिसएग्रीमेंट था वो ख़त्म ही हो जाए और इससे पता चल जाए कौन जीता, तो उसको क्या कहते हैं? शोडाउन, निर्णायक मुठभेड़ हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? कन्फ्रंटेशन या फिर डिसाइडिंग इवेंट या फिर क्लैश या फिर फेस ऑफ, ये उसके हो सकते हैं सिनोनिम। कन्फ्रंटेशन का मतलब यही होता है आमना सामना करना, ठीक है। एंटोनिम्स के क्या हो सकते हैं? पीस मेकिंग या फिर एग्रीमेंट इसके हो सकते हैं एंटोनिम्स। ओके, जैसे मुठभेड़ की बात है, पीस मेकिंग मतलब शांतिपूर्वक कोई समझौता करना, या फिर एग्रीमेंट का मतलब समझौता करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यूज़ हुआ था नॉर्थ वंस अगेन वार्निंग द यूएस ऑफ अ न्यूक्लियर शोडाउन, मतलब ये मीटिंग वगैरह कैंसिल होने के बाद फिर से नॉर्थ कोरिया अपने पुराने रुख पे आ गया है। वो फिर से यूनाइटेड स्टेट्स को वार्न कर रहा है किसके लिए? अ न्यूक्लियर शोडाउन के लिए, मतलब जो परमाणु मिसाइलें या फिर जो परमाणु हथियार है उनसे हमला करने के लिए वो फिर से वार्न कर रहा है और ये बताना चाह रहा है कि वो अमेरिका को सबक सिखाएगा। तो ये होता है शोडाउन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी एक एडजेक्टिव है। कंसिलिएटरी का मतलब क्या होता है? समाधानकारी। वैसे तो इसके कई मतलब हो सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? समाधानकारी। कंसिलिएटरी का मतलब ऐसा भी हो सकता है, मतलब जब आप कोई ऐसा अरेंजमेंट करें या फिर ऐसी कोई बात करें जो दूसरे को संतुष्ट करने के लिए हो तो उसको कहा जाता है कंसिलिएटरी, लेकिन यहाँ पे समाधान से मतलब है। लिखा हुआ टू सेटिस्फाई समवन हु डिसएग्रीज विथ यू बाय एक्टिंग इन अ फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली वे में इस तरीके से एक्ट करते हुए जो व्यक्ति आपसे डिसएग्री है उसको सेटिस्फाई करना, उसको अपनी बात से मनाना, तो उसको कहा जाएगा कंसिलिएटरी। सिनोनिम्स इसके कह सकते हैं प्लेकेटरी। वही प्लेकेट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना, अपीज करना, पैसिफाइंग करना, ये सब इसके क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट के बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है अपने इस वोकैबुलरी की वीडियो में, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। यूज़ कहाँ पे हुआ था? प्योंगयांग आल्सो इश्यूड अ कंसिलिएटरी रिस्पॉन्स सेइंग दैट इट, और फिर आगे वो पूरा सेंटेंस था, मैंने नहीं लिया हुआ है। प्योंगयांग का मतलब क्या है यहाँ पे कहने से? मतलब ये जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ की राजधानी है। मतलब जब ट्रंप ने कैंसिल कर दिया अपना समिट तो उसके बाद
प्योंगयांग की तरफ से कैसा वो रिस्पांस था, तो कह रहे हैं वो कंसिलिएटरी रिस्पांस था, मतलब एक समाधानकारी रिस्पांस उनकी तरफ से, ऐसा नहीं हुआ कि कुछ बहुत ज़्यादा उत्तेजना में कुछ बोला हो। उन्होंने यही कहा कि हमें उम्मीद है कि ट्रंप फिर से अपने इस फैसले के बारे में विचार करेंगे, जो उन्होंने यूनिलैटरी इसको कैंसिल कर दिया हुआ है पूरी समिट को, फिर से उस पर विचार करेंगे। इस तरह से समाधानकारी एक रिस्पॉन्स दिया, तो वो कंसिलिएटरी रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पर इसी से है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है एस्केलेशन। एस्केलेशन एक नाउन है जिसके एक मतलब तो होता है इसका वृद्धि या फिर अचानक तेजी से बढ़ना, उसको कहा जाता है एस्केलेशन। या फिर इसका एक मतलब ऐसे भी हो सकता है एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी और सीरियसनेस ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी वस्तु के को लेकर के जब उसमें सीरियसनेस बढ़ जाए या फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए तो उसको भी कहा जाएगा एस्केलेट करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन या फिर एग्रवेशन, मतलब गंभीरता बढ़ाने वाली बातें। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, प्लंज, प्लंज का मतलब अचानक से नीचे गिर जाना। ठीक है, रिलैक्सेशन मतलब कुछ ढील छोड़ना, जैसे यहाँ पे सीरियसनेस की बात हो रही है तो रिलैक्सेशन भी हो सकता है इसका एंटोनिम। यूज़ कहाँ पे हुआ था, लिखा हुआ था बोथ मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर किम शुड कीप इन माइंड द लार्जर गोल ऑफ डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन। यहाँ पे डी एस्केलेशन की बात की जा रही थी, मतलब कि ट्रंप और किम दोनों लोगों को जो लार्जर गोल है उसके बारे में सोचना चाहिए, छोटी मोटी इधर उधर की बातें हैं उनको सोचने को छोड़ करके जो लार्जर गोल है जिससे जो टेंशन है उसको क्या होगा, डी एस्केलेट होगा, मतलब जो दोनों देश के बीच में जो टेंशन बनी हुई है उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो डी एस्केलेशन यहाँ पे शब्द यूज़ हुआ था। एस्केलेशन अगर आपको पता था तो डी एस्केलेशन आप आसानी से बता सकते थे। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट शब्द जो मैंने यहाँ पे एडिटोरियल से लिए, और आपको एक एडिटोरियल पढ़ने के बाद अब अगर इन शब्दों का अगर आपको ज्ञान है तो आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बातें कही जा रही हैं, किस सेंस में कही जा रही हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, सब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा। कुछ बातें अगर नहीं समझ में आई हो या फिर कुछ आपका सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उनको भी मैं इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी होती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।